नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में शुक्रवार की सुबह नाश्ते में रोटी खाने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की हालत अचानक से बिगड़ गई। परिवार में एक के बाद एक सदस्य को बेहोश होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि इन सभी ने नाश्ते में कोदो की रोटी खाई थी, जिसके कुछ ही देर बाद से सभी की हालत बिगड़ने लगी और वह एक एक कर बेहोश होने लगे। फिलहाल सभी को संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। दरअसल मामला रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कैथा का है, जहां पटेल परिवार के चार सदस्यों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बीमार हुए लोगों के साथ आए परिजनों ने बताया कि आज सुबह घर में नाश्ते के दौरान कोदो की रोटी बनी थी, जिसे खाने के बाद परिवार के चार सदस्यों की अचानक से तबियत बिगड़ गई और वह अचेत हो गए। रोटी खाने के बाद जिन चार लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, उनमें श्यामलाल पटेल, राकेश पटेल, सुमन पटेल व राजबाबू पटेल शामिल हैं। यह सभी एक ही परिवार के हैं और सभी ने कोदो की रोटी का सेवन किया था। परिजनों की माने तो कोदो की रोटी कई दिनों से घर में बन रही थी, लेकिन आज अचानक से रोटी में ऐसा क्या था कि यह सभी बीमार पड़ गए, जो जांच का बड़ा विषय है। फिलहाल सभी का उपचार जारी है। कहाँ से आए? कैथा से। कैथा थाना, ग्राम पंचायत कैथा, थाना घर, जिला रीवा। क्या हो गया लोगों को? ये खाना रोटी खाने के लिए तो बीमार हो गए। खाना पूछा कहे की रोटी बनी थी? कई लोग एडमिट है। चार लोग। क्या क्या नाम है इनके? उनका श्याम लाल पटेल, रमेश पटेल, सुमन पटेल, राजा बाबू।